नमस्कार। नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भोनी मानकु अन्नदाता रे एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूछि। मुख्यतः पनीपरिया चाष पई आवश्यक चारा को तळीपटी रे उत्पादन करी ताकु नै जमि रे लगा जाय थाए। भल फसल बा भल अमल पई सुस्थ एवं उन्नत गुणवत्ता चारा दरकार। चारा दुर्बल बा रोगीणा हेले परवर्ती अवस्था रे गच्छ रुगुण होइथाय एवं भल अमल दिए नाही। आग को शीत ऋतु आसुचे, एही ऋतु रे विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष करा जाए। तेणु वैज्ञानिक मानक परामर्श ग्रहण करी भल चारा उत्पादन करिपाले चासी फसल रो भल अमल पाई परिबे। सेकेंडली हेला जो नर्सरी रे स्थान निरूपण, जो एटा आपनकर विशोधन पार्ट सरीगले तापर मु नर्सरी करबे। जो नर्सरी करबे ता स्थानटा केमिति हेतबा दरकार, जेनरली खरा दिने कि शीत दिने जदि करे बेसी चासी मानको केयर नबा पे पड़े नै, किंतु वर्षा दिने सबठारु इम्पोर्टेंट होची स्थान निरूपणटा। जो स्थान रे आमे करबा जमि ठारु मिनिमम आपनको 15 रु 20 सेंटीमीटर हाइट हेतबा दरकार। से जगहटा आपन संतोषंतिया रो नथिबो, पाखरे पानी रो नथिबो, आउ से जो नर्सरीटा जतळ करबे से घर पाखापाखि हेतबा दरकार, आउ नर्सरी रो चारि पाखरे बाड़ थिबा दरकार, आउ पानीर सुविधा थिबा दरकार। एतिक जिनस चासे मुंडरे पसै कि जदि नर्सरीटा एस्टेब्लिश करिवो तले डेफिनेटली से सेठी चासे भल चारा पाई परिवो, ता चारा नष्ट होबो नै। जनरली ए वर्षा दिने जनरली चासिंग प्रॉब्लम हेथे जो नर्सरी रेज करिया पें कि कारो विभिन्न प्रकार उपाय रहिजी। गोटे हला आपनकर लो टनल स्ट्रक्चर, जो लो टनल स्ट्रक्चर रे जनरली चासी कोन करूची ना गोटे यूवी स्टेबलाइज पॉलिथिन नै किंबा सेड नेट नै ताकु बाउंस रे बंका करिकि जेमि सुडंग भलिया करिकि ता धरे हमर मंजी रेज करि परिबो, सेडलिंग रेज करि परिबो। आ गोटे बे सरकार तरफर सेड नेट आपंकर सेड हाउस नेट हाउस दिखाई जो थे कि 75-90% सब्सिडी मिलूँ। चाषी तरह छोटे करके बड़ चाषी बड़े कर छोट चाषी भी छोटे करके चारा उत्पादन करा हूँ आप स्थान निरूपण कथा। थर्ड कथा जदि मुझे नर्सरी करदेली स्थान निरूपण कली, सेकेंडली मंजी केमी आपर बुणे। जेनेली नर्सरी करवाई तर गोटे स्पेसीफिकेसन थाए चाषी जाणी दरकार, जे जदि मुझे गोटे एकर चाष करने चाहूँगी भेजिटेबल, मुझे गोटे एकर लंका करने चाहूँ, गोटे एकर बैगण करने चाहूँगी, तेल मुझे 40 वर्ग मीटर जगह नेबी। चाषी से हडल हो जाए जो मुझे पकईबी के जगह मंजी पकईबी नर्सरी करी। चाषी तार गोटे थम रूल जाणी दरकार, जब मुझे गोटे एकर कर 40 वर्ग मीटर स्थान मत दरकार हे, तेणु 40 वर्ग मीटर जब तली कली सफिसीयंट हो जाए मोर गोटे एकर पर। सेकेंड कथा है ये जो नर्सरी आम करे तार साइज भी थी दरकार, जेहेतु मैनेजमेंट आमको चाषी की ठीक हम। जेनाली नर्सरी साइज हूँ 3-5 मीटर लंब, आ गोटे मीटर रु 1.2 मीटर ओसार, कहीं गोटे मीटर 1.2 मीटर ओसार रे चाषी कौन करना ना नर्सरी दि सैड रही गोटे घासटे है कि पोकटे लगेगा कि गछटे मरी जाइए कि गोटे पत्र पड़ जाइए सहजे काढ़ीदार। तेणु चाषी मैनेजमेंट ये ठीक हे। आउ हाइट नर्सरी सब 15-25 सेंटीमीटर 15-20 सेंटीमीटर हवा दरकार। आउ केत क्षेत्र में जेनाली चाषी कौन कर बहुत चाषी अच्छा से जगह पाती ना कि सेडनेट करने पाखे सुजोग न थाए, से चाषी मानक मुझे चाहूँगी सिंपली काठर स्ट्रक्चर नहीं पारा आम 45 सेंटीमीटर लंबा 45 सेंटीमीटर ओसार आउ 15-20 सेंटीमीटर हाइट्र गोटे काठ बाक्स नहीं कि ताधर आपंकर बाटी खत को 1:1:2 रेसीयो पकईकि आम ताधेरे भी मंजी रखिपर। जदि जोर खरा होने छाई में थोदार बारंडार कि वर्षा है टेक नहीं घर रखिदार कि साइक्लोन है किसी ना घर भितर भी चाराटा रही जापर। आपरे हूँ जे जो चाराटा मंजी पकेबा पद्धति जानवा चाषी दरकार। जेनेली जो सीड बेड होगला नर्सरी बेड होगला, नर्सरी बेड हो सारापर लाइन लाइन कि चाषी मंजी बुणवा दरकार। ये जो लाइन लाइन कि मंजी बुणब गोटे लाइन रु आ गोटे लाइन आपंकर 5-6 सेंटीमीटर डिस्टान्स रहा दरकार। आ गोटे नर्सरी बेड रु आ गोटे नर्सरी बेड मिनिमम आपंकर 40 सेंटीमीटर डिफरेन्स रखा दरकार मैनेजमेंट पर कि इजी मैनेजमेंट पर डिजिज प्रेस मैनेजमेंट कि फिजिकाल जहाँ भी आम आक्टिट करे रखा दरकार। यहाँ हूँ नर्सरी सैज। तापर है नर्सरी मंजी प्लेसींगा, मंजी प्लेसींग मंजी बुणवार उपाय जेनाली छोट मंजी जब देखिए आप लंका कि टमाटो कि आपंकर बैगण ताक 0.5 सेंटीमीटर तले रखा। जदि बड़ मंजी कथा आम देखा आपंकर कखारू कथा देखूँ कि आपंकर जो भेंडी कथा देखूँ जोटा बड़ सैज मंजी अच्छी से गुड़ाक कौन करें 1 सेंटीमीटर तले रखा। मंजीटा को रखि सारापर जो गार टाणी आम गात करवा रखि सारा परे खत किसी हालाका खत आप भरमी कंपोस्ट दे पारा कि कोटा काठी घोड़े दबा कोटा काठी घोड़े दे कि समय पा पकईदेक जरी घोड़े देलापर जेनाली गजा हो 7-8 दिन जो गजा हो गला चाषी से नजर रखा दरकार। तापर आप कोटा काठी कि आपसी शुखला जिनस पकई से जगार बाहर करदे दरकार। आप जेनाली गो जिनसटा गढ़ुच्छी
ତାପରେ ସେ ଗଛ ହେଇଗଲା, ଅଙ୍କୁରୋଦମ ହେଇଗଲା, ଗଜା ହେଇଗଲା, ଗଛ ବଢ଼ିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଟା, ସେଠି କେୟାର ନେବା ଦରକାର। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଏହାର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅମଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହିପରି ଏକ ପୋକ ହେଲା କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ। ଏହି ପୋକ ଗଛରେ ଲାଗିଲେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଣା କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପୋକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ମୁଗ ବିରି ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରଖିଆ କୀଟ ବିଷୟରେ। ମୁଗ ବିରି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ ଯେହେତୁ ପତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ତାହା ଆମର ଅମଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପୋକକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ପୋକଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ତାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଏଇ ପୋକଟିର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ବଂଶରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଅଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା, ଶୁକ ଅବସ୍ଥା, ଦେନ୍ କୋଷା ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ହେଉଛି ତାର ମାଈ ପ୍ରଜାପତି ବା ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାଟି। ପ୍ରଜାପତିଟି ତାର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପତ୍ରଖିଆ କୀଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ସ୍ପୋଡୋପ୍ଟେରା ବା ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟି ପୋକ, ତା ଆମର ପତ୍ର ଉପରେ ପୁଞ୍ଜ କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶୁକ ବାହାରି ଗୋଟେ ତାକୁ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଯେହେତୁ ପୁଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 100-200 ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମର 100-200 ଶୁକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତାର ଶୁକଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଶୁକଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏକା ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଶୁକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାକୁ ବାହାର କରି ହାତରେ ତାକୁ କିରୋସିନ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନାରେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା, ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ମାଈ ପୋକଟିକୁ ଦମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ହେକ୍ଟରକୁ 10-12 ହିସାବ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଲୋକ ଯନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଈ ପ୍ରଜାପତିଟି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଆମ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ ବିଷ, ନିମ୍ବ ତେଲ ହେଉ ବା ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବିଷ ହେଉ, ନିମ୍ବ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଲିଟରକୁ 5 ମିଲି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯଦି ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ 50 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭିଜାଇ ଗୋଟେ ରାତି ପରେ ତାର ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ମଧ୍ୟ ପୋକଟିକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜୈବିକ ବିଷ ହିସାବରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ବିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ବିଟି ବା ବାସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜେନ୍ସିସ୍, ତାକୁ ଆମେ ହେକ୍ଟରକୁ 1 କିଲୋ ହିସାବରେ ବା ଲିଟର ପିଛା 2 ମିଲି ବା 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପାଣିରେ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ ଆସୁଛି, ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ 50,000 ଅଣ୍ଡା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡକୁ ଆମେ 3-4 ଥର ଗଛର 20 ଦିନ ପରେ ଆମେ 3-4 ଥର ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତାର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟଟି ମାରିଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରୁ ଆଉ ଛୁଆ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ବା ପରିବେଶ ମିତ୍ର ବିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ପାଇନୋସାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସ୍ପାଇନୋସାଡ୍ ଆମର ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ 5 ମିଲି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଡ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାର ମଧ୍ୟ 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଟାଙ୍କି ବା 15 ଲିଟରରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବି ବିଷକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ପରିଚାଳନାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ୟକରେ କହି ରଖେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୋକଟିକୁ ଦେଖିଲେ ବା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତୃତୀୟରେ ଆମେ ନିମ୍ବ ତେଲ ବା ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଉଦ୍ଧୃତ ବିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ ବା ପରାଶ୍ରୟୀ କୀଟ ଜନିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ବିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସ୍ପାଇନୋସାଇଡ୍ ହେଉ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜଡ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପୋକଟିର ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ତାର ଅମଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି କୃଷି ସୂଚନା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ।
ओडिशा कृषि ओ वैश्विक विश्वविद्यालय द्वारा राज्य पई पूर्वानुमान विशेष सूचना धान एवं अणधान फसल रु अतिरिक्त वर्षा जल को निष्कासित करंतु हाथरे घास बाछी दियंतु धानर गर्भ संचार आरंभ अवस्था रे 5-10 सेमी ठिया पानी रखंतु धान फसल रो जलमग्न होई क्षतिग्रस्त होइथिले तुरंत यूरिया सार प्रयोग न करी नुआ पिलो आसिबा पर्यंत अपेक्षा करंतु रुआ और बुणा धान रे पानी जमी रहिले लोह विषाक्त परिस्थिति सृष्टि होई पारे एहा द्वारा धान चेर नष्ट होई पत्र हलदिया पड़ी जाए और भल भाव बढ़ी पारे नहीं एहिपरि स्थले जमी को जल निष्कासन व्यवस्था करी एकर प्रति 10 किलोग्राम पटासार सहित 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 80% अणुसार प्रयोग करंतु धान फसल रे गंठी छाड़ीबा बा गर्भसंचार आरंभ हेबा अवस्था रे अधिक अमलक्षम धान किसम पई एकर प्रति 16 किलो यूरिया सार प्रयोग करंतु बालिया जमी होइथिले एकर प्रति 16 किग्रा यूरिया सार सहित 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सार प्रयोग करंतु संकर बा हाइब्रिड धान पई एकर प्रति 20 किलोग्राम यूरिया सार सहित 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सार प्रयोग करंतु सेप्टेम्बर मासरे टमाटो लगेबार उपयुक्त समय टमाटो किसम जथा BT2 BT10 BT12 नीलाद्री सदाबहार माधुरी महारथी रश्मि और नवीन इत्यादि लगातु कदमी चाषी भाई मानक परामर्श दिया जाऊँगी जमीर पानी निष्कासन व्यवस्था करंतु एवं ज्येष्ठ मास लगे कदमी गछगुड़िक 3-4 मास हो जाए गूल को काटी टेक दिंतु बर्षा छाड़गला पर गर अभिवृद्धिपी अनुमोदित सूक्ष्म सार व्यवहार करंतु धान जीवाणुजनित पत्रपोड़ा रोग बर्तमान धान में जीवाणुजनित पत्रपोड़ा रोग लगभग संभावना अच्छी रोगर परिचापी एकर प्रति 600 ग्राम कपर हाइड्रोक्साइड नामक औषध 200 ग्राम प्लांटोमाइसिन सहित 600 ग्राम कपर ऑक्सीक्लोराइड नामक औषध एकर प्रति 200 लिटर पानी मिसाई सिंचन करंतु माटिया गुंडी पोक बा चकड़ा पोक वर्तमान समय रे वायुमंडल रो अधिक तापमात्रा और आर्द्रता जो धान फसल रे माटिया गुंडी पोक बा चकड़ा पोक लगभग संभावना अच्छे बुदा प्रति 10-15 पोक देखाले परिचापी एकर प्रति 120 ग्राम पाइमेथोजेन नामक कीटनाशक किंबा 80 ग्राम डाइटोफ्यूरम नामक कीटनाशक किंबा 600 ग्राम फ्लोनिकामाइड नामक कीटनाशक किंबा 100 ml टाइफोजाइफिन नामक कीटनाशक 200 लिटर पानी मिसाई बुदा मूल को लक्ष्य कर सिंचन करंतु मुग और बिरी छुईबिंधा पोक मुग और बिरी फसल रे वर्तमान समय रे छुईबिंधा पोक लगभग संभावना अच्छे मुग एवं बिरी फसल रे एही पोकर परिचापी 80 ग्राम हिमेटामाइसिन बेंजोइन नामक औषध 80 मिली क्लोरोटाइप फ्लोराइल नामक औषध 400 मिली प्रोफेनोफस नामक कीटनाशक 200 लिटर पानी मिसाई सिंचन करंतु चिनाबादाम मूल सोडा प्रबल वर्षापने चिनाबादाम मूल सड़ा लगभग संभावना अच्छी यही रोगर परिचापी एकर प्रति भालेडामाइसिन 3% 400 मिलीलिटर किंबा कैप्टेन 70% प्लस हेक्साकोनाजल 5% 300 ग्राम 200 लिटर पानी रे मिसाई सिंचन करंतु आजिर अन्नदाता आपणक सेवा सोपानरे कहा प्रश्नर उत्तर रहिछि आसंतु जानिबा आजिर अन्नदाता कार्यक्रम निःशुल्क फोन सेवा माध्यम रे गंजाम जिल्लार विपुलिंगी ग्रामर चाषी मदन मोहन परिडा से गेंडुफुल चाष पई चारा प्रस्तुति किपरि करा जाय से विषय रे किछि तथ्य जानिबाकु चाहुछन आसंतु जानिबा हमर ए प्रस्तुति को हम साधारणत फुल चाष भितरे मेरीगोल्ड से चाष रु बहुत लाभ एवं एपरिकि दैनिक खर्च रु आमे चाषी माने मेंटाई परिबा एई चाष करिया पूर्वरु आमे आर चारा प्रस्तुति एवं आर जो कटिंग्स रही विषय आमर नि जानवा दरकार साधारणत तो ये मकमल्ली गछ आमे खराटिया शीतदिनिया बर्षा दिनिया एपरिक बर्ष सारा भी आमे चाष कर चाषी माने साधारणत तो चारा गुड़िक सरकारी रु सरकारी दफ्तर रु ग्रहण करणत चाषी मैंने निजे भी से मैंने रेज करें साधारण शीत दिन में आम जदि कौन माँ गच जदि रखिता आम प्रत वर्ष
आम शीत दिन कटिंगस डाल काटिकी आम लगे पार जहाँ कि गोटे गच्छरु आम प्राय 20-30 डाल भी बाहर ताकू आम चारा आम प्रस्तुति करें गई गेंडु चाष दुई प्रकार साधारण भाव आम दुई प्रकार कह साधारण गेंडु चाष मंजी भी होता है डाल रही मंजी जो चाष करा जाए से मंजी शीघ्र आमर चारा बाहरी था से चारा पटाली करने आम प्रथम गोटे पटाली करवा एक रु देढ़ मीटर बा तीन रु चार मीटर ओसार एवं देढ़ फुट उच्चारे आम गोटे पटाली करवा एकपर पांचटी दस टी बारटी पटाली करवा आम अनुसार मंजी गुड़िक आम आणवा गेंडु मंजी गुड़िक जो पटाली तैयार करवा पटाली प्रथम यही भर्मी कंपोस्ट जिया खत को आम उन्नत भाव मिसेक आम पटाली तैयार करवा पटाली फॉर्मालिन आम पकई ताकू आम विशोधन करवा एवं परवर्ती अवस्था ये मंजी को कैप्टन बा थीराम दे आम विशोधन करवा परवर्ती अवस्था मंजी छोट होती बाली मिसे आम धाड़ी धाड़ी 5-6 सेंटीमीटर व्यवधान में आम जब पकेबा तबे परवर्ती अवस्था ये मंजी रु गजा होई तापरे से चारा उत्पादन होता है एवं ये चारा उत्पादन हाँपाई प्रथम आम घोड़े रखा पड़ो जहाँ जो हार्ड सीड कोट ताको घोड़े की दुई तीन दिन रखा पड़ो हाँपर चेरगुड़िक गुड़िक बाहर थाए एवं परवर्ती अवस्था आम निज पटाड़ी आम लगे जहाँकि गजा है बर्तमान चेर है चेर हाँपर यहीटा को नहीं आम जब चाष करवा चाष कलापर से माँ गच आस एटा है छुआ गच आसला बर्तमान माँ गचरे आसब तार व्यवधान रो दस रु 15 फुट दूरतार आम आस जहाँकि गचर ग्रोथ हम ये गच्छ बढ़ापर आम प्रत्येक गच्छर पुणी आउ थे कटिंगस आम व्यवहार करवा एपरिक कटिंगसटा को जी आम व्यवहार करवा तेज से कटिंगस भी जब आम गच्छ लगवा तेज से भी गच्छ होता है एटार कह उद्देश्य जो कटिंग करने गोटे डाल तीन रु चार गच्छ रपरिक गोटे डाल जो कटिंगस काटाप प्रथम गोटे डाटी गोटे सैड्रु भंगा जाए एवं ये भंगा जाए से तीन चार पत्र थी ताकू गोटे गोटे गच लगा जाए ये गच लगवाई बोल जदि पुणी आउ थे चारा करवा आउ थे पुणी गोटे पटाड़ी करवा मटी बाटी अंश अधिका बाली रखी ताकू आम गजा करवा गजा करने हार्मोन रही रुटेक्स रही रुटेक्स सेराडेक्स ए रही हार्मोन लगे जदि गच फुटा चारोटी छटी पत्र थी जदि गच्छी फुटा तेज से चेर हो से गच हो द्वितीय जीवा आमर डाल जो कटा गच लगा कटा गच जो शीत दिन आसो ये शीत दिन आम कटा गच दि जाए ये शीत दिन आसला बर्तमान एवं गच दि जाए मुझे कहली रेट छाड़ी आपणकर प्रति गोटे मस अंतर आप जर्मिनेसन करेंगे बर्तमान एवं समय अच्छी चाषी मैंने नवेम्बर मसरे लगे जहाँकि चारा प्रस्तुत जो आगु करेंगे करेंगे एवं भी नवेम्बर मस लगे से डिसेम्बर जनवरी बेलू फूल आसीज एवं यह हूँ आपणकर कटा चेरा कटा काटार चेर खाई काटार डाल जदि आम लगे तेज यह हो पाए कटा चेर में आम कौन करपरी भाव में आम मंजी गच लगे से कौनसी गच्छर आपणकर जो कलर भेराइट रही आपणकर बर्तमान पिंक आसो येलोइ पिंक आसो डीप पिंक आसो रेड पिंक आसो यही गचगुड़ी लगे प्रति गच्छर आमे ताकु नियंत्रण करवा ऊपर चूलगुड़ी काटी डाल काटिकी मु प्रथम जमी बर्षा दिन जो मंजी रु गच्छ बाहर काटे यटा भी सेपर काटी आमे माटी पटाड़ी करी माटी बाली रो पटाड़ी करी से गच्छ लगे रुटेस दे कि यार वंश विधार करवा कि गोटाए देढ़ फुट हम गच्छ है आम संग्रह करवा संग्रह करके आम लगे अर्थात एठार कह उद्देश्य जी आमर ये काटवार शैली को आम जब ठीक रूप अवलम्बन करवा तेज यहीपरि चारा प्रस्तुत कर आम कटिंगस रु बाहन मंजी रु आम जदि चाष करवा तेज परवर्ती अवस्था आम वर्ष सारा लाभवान हो पार आपण समस्या कि मतामत को आम निःशुल्क फोन में निश्चय पचारत समय अपराह 4:00 to 5:00 आ नंबर है
1800-4192-155। ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସମସ୍ୟା, ସଫଳତା କିମ୍ବା ମତାମତ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଠିକଣାଟି ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅନ୍ନଦାତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ, SP3 ବିଲ୍ଡିଂ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 501512। ଆମର ଇମେଲ ଠିକଣା ହେଉଛି p18annadataoriya@nw18.com। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।